हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम वर। कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू विल फिट एंड फाइन एट योर होम्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीएस से प्रीवियस ईयर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनको आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आई होप जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस टाइम पे आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ताकि जितने भी एडिशनल फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको आप कहीं पर नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों, जब हम किसी चीज को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं तो फॉरएवर हो जाती है और अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक कौन है? परमाणु बम का जनक, फादर ऑफ एटम बम किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑटो हन। दोस्तों, ऑटो हन साहब एक जर्मन साइंटिस्ट थे। पहली बार इन्होंने न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया था और इसीलिए इनको एटम बम का फादर कहा जाता है। दोस्तों, बाकी ऑप्शंस के साथ क्या है? दोस्तों, अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, राजा रमन्ना, तो ये फादर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम ऑफ इंडिया, मींस ये इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम, ये फादर राजा रमन्ना फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम है। ये भारतीय एटॉमिक प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। अच्छा, बाकी रदरफोर्ड और जेजे टॉमसन, तो इनके लिए छोटी सी ट्रिक है, वो कौन सी है? वो है ईट पर नाच। कहने का मतलब, ई फॉर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन साहब ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे टॉमसन ने की थी। पी फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ना से हुआ न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर निकला दोस्तों, वो निकला सी, ऑटो हन, जर्मन साइंटिस्ट थे ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू है, गांधी जी की दांडी मार्च संबंधित थी, किससे संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए Na सोडियम, ऑप्शन नंबर टू NaCl, ऑप्शन नंबर थ्री C आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी HCl। दोस्तों, गांधी जी की जो दांडी मार्च थी वो संबंधित थी B NaCl। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड नमक भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम NaCl है। दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा को नमक आंदोलन भी कहा जाता है। जब अंग्रेजों ने नमक पर भारी टैक्स लगा दिया तो उसके खिलाफ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी, जो उस टाइम पे दांडी का नाम नौसारी था, तो साबरमती आश्रम से दांडी कहिए या नौसारी तक, उन्होंने 240 मील की यात्रा को पैदल चलकर 6 अप्रैल को नमक बनाकर उस कानून के खिलाफ उसको तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। तो उसको कहा गया दांडी मार्च। जिस दांडी मार्च में गांधी जी के साथ इनके 78 फॉलोअर्स, कितने फॉलोअर्स थे? 78 फॉलोअर्स थे। तो उन 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। बाद में हजारों आदमी इनके साथ जुड़ गया। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को और एंड हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। पूरी जो जर्नी थी
पैदल चलकर कवर की गई थी और जर्नी थी 240 मील की, 240 मील की जर्नी थी। ठीक है दोस्तों। अच्छा बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, बाकी ऑप्शंस क्या है दोस्तों। बाकी ऑप्शंस हैं, पहला है एन ए, देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं सोडियम, क्या है ये है सोडियम। सोडियम एक मेटल है और सोडियम इतनी सॉफ्ट मेटल होती है कि आप इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी मेटल है जिसको हम नाइफ आई मीन चाकू से कट कर सकते हैं, वो क्या है, वो है सोडियम। दोस्तों सोडियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर क्विक रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। अच्छा बाकी क्या है दोस्तों, आयोडीन। आयोडीन नमक में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, और ये हैलोजन है, क्या है दोस्तों, ये हैलोजन वर्ग का है। ऑप्शन नंबर डी है HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने स्टमक में भी पाया जाता है और इसका यूज कलर बनाने के लिए होता है, इसका यूज एक्वा रेजिन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हमने देखा, बट सेकंड का अपना राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NaCl। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, किसका मकबरा देश देश के बाहर है, मतलब भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अच्छा अब देखते हैं सभी ऑप्शंस को, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद, कहाँ है, औरंगजेब से औरंगाबाद, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है। शाहजहां का कहाँ है, दोस्तों शाहजहां का है आगरा में। अकबर का कहाँ है, अकबर का है सिकंदरा में। और फिर बचा क्या, जहांगीर, जहांगीर का कहां पर है, जहांगीर का है मकबरा लाहौर पाकिस्तान, कहां है, लाहौर पाकिस्तान। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, और अगर बात करें बाबर की तो बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा है काबुल में, कहाँ दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान में है। तो इतनी बात क्वेश्चन नंबर थ्री से हमको समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है अम्ल राज किसे कहते हैं, अम्ल राज किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी एक्वा रेजिन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी एक्वा रेजिन। अच्छा एक्वा रेजिन बनता किससे है, एक्वा रेजिन बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहने का मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस क्या होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन दोनों को हम किस रेशियो में डालते हैं, 4:3 में, जब सॉरी सॉरी दोस्तों जब इनको हम 3:1 में मिलाते हैं तब बनता है एक्वा रेजिन। अब दोस्तों एक्वा रेजिन एक ऐसा ऐसा लिक्विड बनता है जिसमें हम अगर गोल्ड डाल दें तो गोल्ड डिजोल्व हो जाएगा, गोल्ड पिघल जाएगा। ठीक है दोस्तों आई थिंक बात यहां तक समझ में आई होगी। अच्छा इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसका यूज हम बैटरीज को बनाने में करते हैं, मेडिसिन को बनाने में करते हैं, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर निकला वो क्या निकला, वो निकला डी एक्वारेजिन। एक्वारेजिन को हम अम्लराज कहते हैं, बनता किससे है,
हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड को जब हम 3:1 में मिलाते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है एक्वा रेजिन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को पढ़ें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, गणपति और शिवाजी महोत्सवों का पुनर्जागरण किसने किया था? दोस्तों बात हिस्ट्री की है। हिस्ट्री में जब ब्रिटिश इंडिया पे शासन कर रहे थे तो इंडियन सोसाइटी पूरी तरीके से बटी हुई थी, तो उस टाइम पे गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन पुनर्जागरण किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन आयोजनों का पुनर्जागरण करने के पीछे जो मकसद था वो था समाज को एक करना। क्या करना? समाज को एक करना। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जी एक गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता एक तिगड़ी थी। तिगड़ी कौन सी थी? बाल, पाल और लाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, लाल लाला लाजपत राय, ये तीनों गरम दल के नेता थे। उनमें से हम बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं दोस्तों। इन्होंने अपना एक आंदोलन होम रूल भी चलाया था और कुछ न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे, उनमें उनमें मराठा और केसरी, ये दो न्यूज़पेपर तिलक साहब पब्लिश करते थे और इनको अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि मराठा किसका अखबार था, तो किसका था? मराठा था बाल गंगाधर तिलक जी का। अच्छा, बाकी ऑप्शंस के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नरोजी। कौन है? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? दादा भाई नरोजी को। ये एक नरम दल के नेता थे। अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसको कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है। बुक का नाम था द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया। क्या बुक का नाम था? द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने ब्रेन ड्रेन थ्योरम भी दी थी और बताया था कि अंग्रेज कैसे भारत का पैसा लूट रहे हैं। तो इतने फैक्ट दादा भाई नेहरोजी से हो जाते हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। एक इन्होंने बुक लिखी थी द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोस्तों एक फ्रीडम फाइटर के साथ साथ इन्होंने ICS का एग्जाम भी क्रॉस किया था। इनके बारे में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और स्पेशली इनको जाना जाता है होम रूल मूवमेंट के लिए। तो होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? होम रूल मूवमेंट शुरू किया था एनी बेसेंट ने। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए जो राइट आंसर निकला है वो क्या निकला है? बाल गंगाधर तिलक, मींस गणपति और शिवाजी उत्सवों का पुनर्जागरण शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाकी ऑप्शंस को भी जिनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे, सब लोगों ने देखा भी होगा जीप, जीप, बट उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए जनरल प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर दो जीवन भवन, ऑप्शन नंबर सी जनरल पर्पस, ऑप्शन नंबर डी जनरल परमिट। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी जनरल पर्पस।
जो जीप का फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल पर्पस व्हीकल। आई थिंक दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी और बात इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, मीन्स एक ऐसा हैलोजन जिसका यूज पेन किलर के फॉर्म में किया जाता है। तो दोस्तों पहले हमें टर्म समझते हैं हैलोजन। हैलोजन है क्या? हैलोजन क्या है दोस्तों? हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से हैं? एक है हैलोज और दूसरा है जीन्स। दोस्तों हैलोज का ग्रीक में मतलब है एसिड। क्या मतलब है? एसिड। और जीन्स का मतलब है प्रोड्यूसर। तो कुल मिला के एसिड प्रोड्यूसर। तो हैलोजन वह तत्व होते हैं जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें हैलोजन क्या है, तो हैलोजन एसिड प्रोड्यूसर हैं, एसिड को बनाने वाले तत्व हैं। इज इट क्लियर दोस्तों? आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब अपने क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ये है, पीड़ाहारी के फॉर्म में आयोडीन को यूज किया जाता है। किसको यूज किया था दोस्तों? आयोडीन को। दोस्तों आयोडीन का यूज आयोडेक्स बनाने में, क्या बनाने में? आयोडेक्स बनाने में, और पेन किलर बनाने में भी यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या निकला दोस्तों? दोस्तों राइट आंसर निकला आयोडीन। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं दोस्तों। बाकी ऑप्शन क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये सारे के सारे हैलोजन हैं, जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहता है। अब यहां से एक बात और निकल के आई, हैलोजन सभी स्टेट में हो गए, सॉलिड में ये हो गया आयोडीन, लिक्विड में ब्रोमीन हो गया और गैसियस में क्लोरीन तथा फ्लोरीन हो गए। क्लियर दोस्तों? अब बाकी देखते हैं दोस्तों। क्लोरीन का यूज वाटर प्यूरिफायर के फॉर्म में भी करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है, निश्चेतक के फॉर्म में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। अच्छा ब्रोमीन, दोस्तों ब्रोमीन का यूज किया जाता है स्लीपिंग पिल, नींद की गोलियां बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो आई थिंक बात आपको यहां तक समझ में आई होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? दोस्तों कोरम कहते हैं सदस्यों की वह मिनिमम संख्या जिससे कोई भी सिटिंग, संसद की कोई भी मीटिंग हो सके। और लोकसभा का जो कोरम होता है वो होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। कहने का मतलब लोकसभा में अगर कुल सदस्य संख्या का 1/10 प्रेजेंट है तो मीटिंग होगी। अच्छा एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से और, लोकसभा में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? दोस्तों मंत्रियों की संख्या, संसद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्या की 15% हो सकती है। कितने परसेंट हो सकती है? 15%। जितने भी सदस्य हैं उनका 15% मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये थी आज की छोटी सी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई थिंक क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेशन मिलती रहे। थैंक यू।